आज हम कक्षा 12वीं में इतिहास के अंतर्गत भारत के संविधान का निर्माण, इसके पहले भी हमने दो पार्ट में आपको समझा चुके हैं, इसमें हम ये नए युग का इस समय निर्माण हुआ था उसके बारे में है। फिर आगे हम देखेंगे कि नागरिकों के अधिकार का निर्धारण, जब संविधान बना तो उसमें नागरिकों के अधिकारों का भी निर्धारण किया गया, जिसके अंतर्गत की अधिकारों के निर्धारण के लिए मतलब हर किसी को उसका अधिकार मिलना चाहिए। यदि हमें नियम में दिए गए हैं या कानून बनाए गए हैं तो उसमें हमारे अधिकार भी कुछ दिए गए हैं, जिसमें ये था कि यदि उनके साथ उत्पीड़न समूहों को विशेष अधिकार प्रदान किया गया था, इसमें अल्पसंख्यकों को भी विशेष अधिकार दिया गया था, और संविधान सभा के जो सदस्य थे वो पर्याय वैचारिक भिन्नता भी विद्यमान थी, मतलब सभी लोगों के विचार जो थे वह अलग अलग थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने उद्घाटन भाषण में जनता की इच्छा का हवाला देते हुए संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना है, इस तरह से उन्होंने कहा था। क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने उथल पुथल में हमने देखा था कि मतलब कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई थी जब भारत देश आज़ाद हुआ था, उसमें सारी समस्याओं आकांक्षाओं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भी अधिकार का निर्धारण किया गया था। फिर अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका की समस्या, जो पृथक निर्वाचिका की जो पक्ष में दिए गए तर्कों के राष्ट्रवादी सदस्य जो थे वो भड़क उठे थे, लेकिन फिर भी निर्वाचिका को बनाए रखने के लिए पक्ष में कोई भी नहीं था, इस तरह से उसकी कटु आलोचना हुई। और पृथक निर्वाचिका का ऐसा विष था जो देश को पूरी राजनीति में समा चुका था, और जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो, अगर चाहते हो तो पृथक निर्वाचिका फौरन छोड़ दो। पृथक निर्वाचिका था कि सबको वही, जिस तरह से अंग्रेजों ने किया था फूट डालो राज करो की नीति थी, यदि हम वैसा सबको पृथक पृथक यदि बनाते उनके अधिकार तो क्या होता, हम देश में शांति नहीं रहती, सांप्रदायिकता को और भी बढ़ावा मिलता। फिर हम देखेंगे कि प्रभावी जो कदम उठाए गए थे उसके बाद, किसान आंदोलन के जो नेता थे एनजी रंगा, इन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। इसमें रंगा की नज़र जो अल्पसंख्यक जो थे गरीब दबी कुचले लोग थे, और जो आदिवासियों को भी इसी समूह में गिनाया था, जिससे कि आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि जयपाल सिंह पृथक ने भी निर्वाचिका के पक्ष में नहीं थे। इस तरह से जो आदिवासियों के प्रतिनिधि थे वे सीटों के आरक्षण को आवश्यक मानते थे ताकि उनका भी विकास हो सके, वे भी अपनी उन्नति कर सके। फिर उसके बाद था दमित जातियों के अधिकारों का प्रश्न, दमित जातियाँ जो थी वो उनके भी अधिकारों का प्रश्न था, क्योंकि लंबी चर्चा की गई थी जिसमें कि अस्पृश्यता का उन्मूलन था, जिस तरह से आप लोग भीमराव अंबेडकर की सीरियल जो देख रहे होंगे तो उस समय जो था किस तरह से छुआछूत भेदभाव की जो भावनाएं थी कितनी ज़्यादा थी कि लोग वहां से यदि जाते थे उनकी परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए थी, यदि कोई जा रहा है तो वहां से हम जा भी नहीं सकते थे, इस तरह से अस्पृश्यता का उसका भी उन्मूलन करना आवश्यक था, और हिंदू मंदिरों के द्वार जो थे वे सभी जातियों के लिए खोल दिए जाने चाहिए थे। इस तरह से विधायिका में सरकारी नौकरियां निचली जातियों के आरक्षण की व्यवस्था की गई जिससे कि उनका भी समान रूप से विकास हो सके। फिर है राज्य की शक्तियां, यहां पर जो राज्य की शक्तियां थी जैसे केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियों का बंटवारा किया गया था। जब हम सेवा क्षेत्र पढ़े थे तो उसमें 10वीं में भी आपने सेवा क्षेत्र पढ़े होंगे, तो उसमें था केंद्र सरकार अलग है राज्य सरकार अलग है लेकिन कार्यकाल जो है वो समान रहता है, ये आपने राजनीति में भी पढ़ रहे होंगे। तो इस तरह से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संविधान मतलब केंद्र जो है पूरे राज्य पूरे क्षेत्र को देखता है और राज्य सरकार जो है सिर्फ अपने राज्य अपने क्षेत्र का ही विकास करता है। संविधान सभा में कई ऐसे सदस्य का मानना था कि केंद्रीय शासन शक्तिशाली है, और जिसका कि इसमें जवाहर नेहरू का भी जो वह यही मत था। और फिर संविधान के मसविदे विषयों 3 सूचियों वर्गीकृत किया था, जिसमें केंद्रीय राज्य और समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उसका कार्य करते थे। फिर केंद्रीय सूची के विषय में केवल केंद्र सरकार के अधीन था, राज्य सूची जो था वह विषय केवल राज्य सरकारों के बीच था, समवर्ती सूची जो है केंद्र और राज्य सरकारें दोनों की जो थी वह संयुक्त जिम्मेदारी थी। इस तरह से हम देखेंगे कि संविधान में जो राजकोषीय संघवाद की जो एक जटिल व्यवस्था जो थी उसका निर्माण किया गया, जिसमें शक्तिशाली केंद्र सरकार की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि वह राज्य में जो है अराजकता पर अंकुश लगाया जा सके, आर्थिक विकास की योजना बनाई जा सके, और शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता और भी अधिक आवश्यक हिसाब से हो गई थी, जिसमें शक्तिशाली केंद्र सरकार की आवश्यकता पर जोर दे रहे थे। यही वजह थे कि भारतीय संविधान में
भारतीय संघ के घटक जो थे राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार के अधिकारों की ओर स्पष्ट झुकाव था, क्योंकि केंद्र सरकार जो था वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। फिर राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा के विवाद को भी हल करने का प्रयास किया गया था, जिसको लेकर कि यह कहा गया था कि राष्ट्रभाषा एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, जिसमें कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों में जो विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रचलन था। हमारे यहाँ आप लोग देखोगे एक, जैसे ही हम अपने सिर्फ एमपी का ही देख लो, जैसे ही हम एक नगर का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वहाँ से थोड़ी सी भाषा और बोली क्या जाती बदल जाती है। उसी तरह से अनेक जो राज्य थे उनकी भी भाषाएं और बोली अलग अलग थी। इस तरह से विभिन्न भाषाएं थी, विभिन्न प्रांत थी, हर प्रांत की अपनी भाषा थी। इस तरह से जो भाषा था उसका भी प्रश्न था कि समक्ष आया कि हम किस तरह से, किसे हम राष्ट्रभाषा घोषित करें। इस दौरान भी कई सदस्यों में काफ़ी बहस हुई, काफ़ी तनातनी हुई। फिर महात्मा गांधी के जो राष्ट्रभाषा संबंधी जो विचार थे तो उसमें था हिंदुस्तानी जो है उनको राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, जिससे कि एक ऐसी भाषा प्रयोग करना चाहिए जिससे लोग आसानी से समझ सकें। हिंदी के लिए दलील दी गई, जिसमें कि संयुक्त प्रांत, कांग्रेसी सदस्य और जो संविधान सभा की भाषा के रूप में इसको इस्तेमाल करने के लिए पुरजोर आवाज़ उठाया गया था। इस तरह से संविधान सभा में भाषा विवाद निरंतर बढ़ता रहा। फिर संविधान सभा में भाषा समिति के विभिन्न पक्षों की भाषा संबंधी भावना को संतुष्ट करने के लिए एक स्वीकृति की गई, जिसमें कि एक उद्देश्य से हिंदी को ही राष्ट्रभाषा की जगह राजभाषा घोषित किया, मतलब राष्ट्रभाषा की जगह राजभाषा घोषित किया गया। लेकिन बाद में संविधान के केंद्रीय अभिलक्षण भी था, जैसे प्रत्येक वयस्क जो व्यक्ति है उसे वयस्क मताधिकार या मत देने का अधिकार था। जो भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया जो थी उसमें 3 वर्ष तक चली। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा भारतीय संविधान को पारित किया गया और 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा में पारित किया गया और 1950 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से लागू हो गया था। अगले उसमें हम विशेषताएं पढ़ेंगे।